आखिरी लड़ाई से पहले क्या कांग्रेस पार्टी ने अचानक सरेंडर कर दिया? कल एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, इंडिया टीवी पर शाम 5 बजे से एग्जिट पोल आप देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि वह एग्जिट पोल देखेगी ही नहीं, एग्जिट पोल की डिबेट में आएगी ही नहीं, एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल ही नहीं होगी। अब देखिए, बीजेपी को तो ऐसे में मौका मिल गया। बीजेपी के टॉप लीडर्स अमित शाह, जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। तो क्या कांग्रेस के नेता हार कर घर बैठ गए या कोई नई गिनती शुरू कर रहे हैं? बीजेपी का असली कैलकुलेशन क्या है और कांग्रेस का असली कैलकुलेशन क्या है? आज दोनों खेमों का कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल तो एग्जिट पोल के नतीजे आप देखेंगे ही। एक रिपोर्ट आप अभी देखिए। एग्जिट पोल से पहले किसकी धड़कन बढ़ी? अंतिम वोटिंग से पहले कौन घबरा रहा है? 543 सीट का असेसमेंट क्या है? एनडीए या इंडी कौन सरकार बना रहा है? ।2024 का पूरा चुनाव दो नैरेटिव पर लड़ा जा रहा है। पहला नैरेटिव एनडीए का है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार मोदी के एनडीए की 405 सीट आ रही है। दूसरा नैरेटिव इंडी अलायंस का है, जिसका अपना दावा है, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इस बार इंडी की सरकार आ रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपना अपना लॉजिक है, लेकिन किसका दावा सॉलिड है? सबसे पहले असेसमेंट बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का है। एनडीए 400 पार है, यूपी रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। टूट सकता है, हम 70 के ऊपर निश्चित जाएंगे, रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इस बार के लोकसभा में बंगाल और उड़ीसा में कैसी सीटें देख रहे हैं आप, पिछली बार की तुलना करें तो? देखिए, बंगाल में हम 24 से 30 के बीच में सीटें जीतेंगे, उड़ीसा में राज्य सरकार भी बनाएंगे और करीब करीब 15 से 17 के बीच में सीट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो सर आपका क्या आकलन है उन राज्यों में? तेलंगाना में भी हम 10 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे साथी चंद्रबाबू जी के साथ हम सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर अकाउंट ओपन कर एक अच्छी शुरुआत करे। मैं इसकी समरी कह देता हूँ, 16 राज्यों और यूटी में भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी, जहाँ किसी का खाता नहीं खुलेगा। 16 यूनिट्स नेशनल पिक्चर के हिसाब से नंबर्स में देखें ओवरऑल तो बीजेपी के लिहाज से कितनी और इंडिया के लिहाज से कितनी उम्मीदें कर रहे हैं सर? अब बीजेपी एनडीए मत करिए, एनडीए 400 पार करेगा, स्वाभाविक रूप से बीजेपी का सबसे बड़ा चंक होगा। इस बार का चुनाव परसेप्शन का भी है, मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का भी है। जिसने इसमें बढ़त बना ली, पहली लड़ाई उसने जीत ली। 400 पार का नारा भी मोदी की इसी रणनीति का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि ऐसी रणनीति बनाई जिसमें इंडी गठबंधन फंस गया। 400 की लाइन जो खींची, पूरा इंडी अलायंस 400 की लाइन मिटाने में ही लगा रहा। जब तक बात समझ में आई, इंडी अलायंस ने भी वही रणनीति अपनाई। इंडी अलायंस के नेता एक सुर में कहने लगे, मोदी जा रहे हैं, इंडी की सरकार आ रही है, जिसमें सबसे मजबूत फ्रंट अखिलेश यादव ने खोला। अखिलेश का कहना है, मोदी का 400 सिर्फ सपना है, इस बार तो प्रधानमंत्री अपना है। 1 जून को एग्जिट पोल से इतना तो अनुमान लग जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है, लेकिन उससे पहले कोई भी मनोवैज्ञानिक और परसेप्शन की लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता। अंतिम चरण से पहले एक बार फिर मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू हो गई है। अखिलेश यादव को लगता है कि अंतिम लड़ाई में पूरी ताकत लगा देनी है और हर मोर्चे पर लड़ना है, इसीलिए यूपी में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है घबराना नहीं है। उन्होंने कहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी को जिताएंगे, आपका हौसला डिगाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, इनके छलावे में फंसना नहीं है। 300 सीट एनडीए की नहीं आ रही है, बहकावे से बचना है, डट कर खड़े रहना है, चौकन्ना रहना है। अखिलेश और राहुल की सीटें कितनी आएंगी,
दावे कितने सही साबित होंगे, लेकिन परसेप्शन और मनोवैज्ञानिक लड़ाई में वो मोदी को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो पहले भी नैरेटिव बनाते आ रहे हैं कि यूपी में 79 सीट वो जीतेंगे और बीजेपी को देश में 140 सीट के लिए तरसा देंगे, वो भी तब जब मोदी 400 पार का दावा कर रहे हैं। कहने वाले तो इसे पॉलिटिकल बयानबाजी से ज्यादा नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 543 सीट को लेकर अपना असेसमेंट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि बीजेपी को हराने के लिए जितनी सीट चाहिए उससे ज्यादा सीट अलायंस को आ रही है। 4 जून को कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। कितने नंबर्स इंडिया अलायंस को आ रहे हैं? इंडिया अलायंस को उनको डिफीट करने के लिए जितने नंबर चाहिए 272 उससे ज्यादा ही आएंगे। कितना सर, फिर भी कितना? नहीं, 1-2-4 ऐसा बोलने के बजाय उनको डिफीट करने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर हमारे पास है। आपने 273 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं है, 273 से ज्यादा आएंगे इंडिया अलायंस को। सर, कौन कौन से स्टेट्स में आपको लगता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा? आपके गृह राज्य कर्नाटक की बात करें तो क्या वहां पर परफॉर्मेंस पहले से अच्छा होगा? एक सीट पिछली बार आई थी। नहीं, देखो कर्नाटक में अच्छा होगा, केरला में अच्छा सर, होगा। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? सीटें तो देखिए 1-2 सीट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 15 के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर कर्नाटक में। और केरल में सर? केरल में तो हम ऑलरेडी अहेड है, इस बार एक भी सीट हम लूज नहीं करेंगे, एक आधा सीट इधर उधर हो जाएगा। सर, हरियाणा और राजस्थान में तो ये बात तो गृह मंत्री भी मान रहे हैं कि यहाँ पर उनकी 1-2 सीटें कम हो सकती हैं, तो हरियाणा और राजस्थान में क्या कांग्रेस का असेसमेंट है? वहाँ भी हरियाणा में भी हम जीत रहे पूरे। कितनी सीटें? 8 से 10 तक पूरा आए तो पूरा 10 आएंगे, नहीं तो 8 तो जरूर आएंगे। और राजस्थान में सर? वहाँ राजस्थान में भी हम 8-10 आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सर क्या आपका आंकलन है, क्योंकि एक नए समीकरणों का? सब चीजें बोलते गए तो मेरे पास आंकड़े फिर कमजोर हो गए, तो सॉरी हेरा फेर हो तो ठीक नहीं लगता, लेकिन महाराष्ट्र में भी हम 30 के ऊपर जीत रहे हैं। तो ये हर जगह हम लास्ट टाइम जिस जगह हम कमजोर थे जी, जब अब ऊपर आ रहे हैं तो नेचुरली उनके वोट तो घटेंगे ना। सर, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाँ भी हम ले रहे हैं अच्छे। लास्ट टाइम हम बहुत ही कमजोर थे, इस बार हम ठीक ढंग से वहाँ इलेक्शन लड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट हमको आएगी, बिहार में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप असेस कर रहे हैं? हम वहाँ पर अखिलेश साहब और हम सब दोनों मिल के मिनिमम हमारे को उसमें 30 सीट तो आएंगे। और बिहार में सर? 30-35 सीट। हाँ, बिहार सर? बिहार तो लास्ट टाइम एक भी नहीं था, आरजेडी का हमारा एक था जी, किसनगंज, तो वहाँ पर भी हम कम से कम 20 के नजदीक जा रहे हैं अलायंस मिला करके। हमारे अलायंस ही है। पूरी इंडिया अलायंस का कहना है मोदी को अब नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं आ तो मोदी ही रहे हैं। कांग्रेस दावे तो बड़े कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल के डिबेट में हिस्सा नहीं लेने के फैसले पर बीजेपी सवाल कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मान चुकी है कि बीजेपी ही आ रही है, इसीलिए नतीजों से पहले एग्जिट पोल वाली डिबेट से वो भाग रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही, ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है, और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करें, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं।
खड़गे का दावा बड़ा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का असेसमेंट है कि 400 पार का नारा कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार तो साउथ भी मोदी के साथ खड़ा है। ये नारा पार्टी का नहीं है, ये नारा अब जनता लगा रही है। और सचमुच मैं कह रहा हूँ कि एनडीए 400 सीटें पार कर रहा है। साउथ में आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन तमिलनाडु, केरल, सब राज्यों में, कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है, तेलंगाना में हमारी सीटें अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, हम लोग आंध्र प्रदेश पर शानदार सफलता प्राप्त कर रहे हैं अपने एनडीए पार्टनर के साथ, टीडीपी के साथ, और जो वोट परसेंटेज तमिलनाडु केरल में भी हमें सीटें मिल रही है, वोट परसेंटेज भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि मैंने हर जगह मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव देखा है। टाटा बाय बाय अब कांग्रेस को होने वाला है। राहुल जी का भी ये शायद अंतिम प्रयास सिद्ध होगा। जनता वैसे उनको टाटा बाय बाय करने वाली, और कांग्रेस के इतिहास सब जानते हैं, आज बचा क्या है कांग्रेस के पास। बीजेपी का तो ये भी दावा है कि इस बार तो यूपी भी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। 2014 में बीजेपी 71 सीट जीती थी, 24 में यह रिकॉर्ड टूटेगा। वेस्ट यूपी और रुहेलखंड का सबसे ज्यादा दम दिखेगा। देखिए, बिजनौर एक तरफा जीत होगी, अमरोहा एक तरफा जीत होगी, मुरादाबाद जरूर टफ फाइट आप ये कह सकते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है बात हमारे लिए कि हमारे प्रत्याशी की, कुंवर सर्वेश जी की मृत्यु उसके बाद हुई, चुनाव के बाद, तो वहाँ अच्छी फाइट रही ये कह सकता हूँ, लेकिन अमरोहा और बिजनौर में फाइट नहीं थी, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी थी। देखिए, रामपुर का तो कह नहीं सकता, रामपुर में जिस तरह की परिस्थितियाँ आप भी जानते हैं, माइनॉरिटी बहुल सीट वो है। उसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से लेकर और आगरा और उधर तक ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीते। ये तो तय है कि लोगों के मन में पहले से ही था कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रहेगी। और पिछली बार से ज़्यादा सीटें हम इस बार उत्तर प्रदेश में, पिछली बार शायद 63 या 64 सीटें हमारी थी, इस बार उससे ज़्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीते। 400 पार बीजेपी जाएगी तो इसमें उत्तराखंड की भी 5 सीटें आएंगी, आधे से ज्यादा भारत का ये कमिटमेंट है, पुष्कर धामी का असेसमेंट है। हर जगह लोगों में देखिए, हर सीट का अपना एक अलग समीकरण होता है, लेकिन हर जगह एक ही बात दिखाई दी कि सब जगह मोदी जी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, एक अलग प्रकार का जो है लोगों का समर्थन था जो हर जगह महसूस हो रहा था। इंडिया गठबंधन तो पहले दूसरे राउंड में ही इस फाइट से बाहर हो चुका है, और एनडीए 400 पार जाएगा, बीजेपी अकेले 370 के आसपास आएगी। नहीं, अच्छा मार्जिन रहेगा, और पिछली बार से भी अच्छा मार्जिन रहेगा, और 500 सीटें वहां की मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा बिहार पर भरोसा है। तेजस्वी का दावा है नतीजे चौंकाएंगे, एनडीए वाले देखते रह जाएंगे, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम का असेसमेंट है, मोदी नीतीश का फिर 100% स्ट्राइक रेट है। निश्चित तौर पर उनके लिए चौंकाने वाला नतीजा होगा। वो जो तुमने कल्पना की है, ये हेलीकॉप्टर को होटल बना दिए, पिकनिक मना रहे थे, तो जनता तो उस पिकनिक को देख रही थी। मैं बता दूं कि जो दावा कर रहे हैं, चमत्कारी परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, पिछले बार भी 0 पर आउट हुए थे, इस बार भी 0 पर आउट होंगे, और ऐसे लोग की परिवारवाद की जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाएगी। मैं तो बता दूं कि 39 थे, 39 से नीचे तो जाना नहीं है। 40वां सीट पर जो तुष्टिकरण की राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो भी मेरे पक्ष में आएगा। पश्चिम बंगाल को लेकर सबका इंटरेस्ट है। शाह का दावा, इस बार बीजेपी ही बेस्ट है। दीदी कह रही हैं, बंगाल में बीजेपी की मेहनत वेस्ट है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। विपक्षी गठबंधन बंगाल में टूट चुका है। कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप से टीएमसी घिरी है। बावजूद इसके
तृणमूल कांग्रेस का असेसमेंट है बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट तक नहीं जा पाएगी, 4 जून को मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। एनडीए जा रहा है, इंडिया आ रहा है, तो इंडिया गठबंधन वो आ रहा है जिसका एक बहुत बड़ा जिसमें जिसका कंट्रोल बंगाल का हाथ में होगा, दीदी के हाथ में होगा, क्योंकि 30 से 35 तक एमपीज ममता दी का साथ होंगे। बंगाल में भाजपा डबल डिजिट होने का ही बहुत टफ है, और अगर बंगाल को उन्होंने बेस लाइन पकड़ के चलेगा तो पूरा देश में तो सब मिलाकर वो 100 नहीं क्रॉस करेगा। हम लोग 30 से 35 तक सीट आउट ऑफ 42 हम लोग जीतने का हम लोग कॉन्फिडेंट है। महाराष्ट्र में भी पश्चिम बंगाल जैसी लड़ाई है, महायुति का सियासी भविष्य अटका है, महाविकास अघाड़ी को अपनी साख का फटका है। खरगे 48 में से आधी से ज्यादा सीटें पाने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह भी नुकसान की बात कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग कह रहे हैं 45 सीट ला रहे हैं और 400 पार भी जा रहे हैं।